मित्रों नमस्कार। आज मैं इस चैनल में आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं। जो भी प्रॉपर्टी पुलिस के द्वारा धारा 82, 83, 84, 85 के तहत अटैच की गई है, 82, 83 में प्रोसीजर है कि न्यायालय में जब भी कोई ऑफेंस से संबंधित अभियुक्त जानबूझकर उपस्थित नहीं होता है तो उसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट न्यायालय निकालती है, कई बार पब्लिकेशन भी कराती है, उसके बाद भी वो न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं होता है तो धारा 82-83 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत उसकी प्रॉपर्टी की अटैचमेंट की कार्रवाई की जाती है। उस व्यक्ति के नाम से यदि प्रॉपर्टी है या उसके माँ बाप के नाम से है या भाई बहन के नाम से है तो उसकी संपत्तियों को अटैच सामान्यतः पुलिस कर लेती है, और इस कार्यवाही में वो जब न्यायालय के समक्ष या तो स्वयं हाजिर होता है या उनके घर वाले उपस्थित होते हैं और कहते हैं ये प्रॉपर्टी उसकी नहीं है, प्रॉपर्टी हमारी है, माँ बाप की है, भाई बहन की है, तो वो प्रॉपर्टी कैसे रिलीज होगी, ये सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगा। जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें जिससे आपकी जानकारी समझ में आए। तो अब आते हैं विषय पर, हाउ टू रिलीज अटैच्ड प्रॉपर्टी अटैच बाय पुलिस। पुलिस द्वारा जब कुर्क की गई संपत्ति न्यायालय के आदेश से जब वो नॉन बिलेबल वारंट के तहत भी या प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्र में होने के बाद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो अटैच करने की कार्यवाही न्यायालय के आदेश से होती है और धारा 82-83 CRPC की कार्यवाही इसमें की जाती है। उसकी संपत्ति कुर्क की जाने की कार्यवाही में कई बार ये ऑब्जेक्शन आता है कि प्रॉपर्टी अभियुक्त की नहीं है, माँ बाप की है, भाई बहन की है, किसी की भी दूसरे की संपत्ति पुलिस द्वारा अटैच कर ली गई है न्यायालय के आदेश से, तो या तो वो स्वयं फरार है, भाग गया है, मिल नहीं रहा है, न्यायालय को ऐसा लग रहा है तो वो नॉन अवेलेबल वारंट उसमें निकालती है। इसके बाद ये 82-83 की जाप्ता फौजदारी की कार्यवाही होती है। पुलिस उसके लिए एक नोटिस निकालती है, घर पे चस्पा करती है, स्थानीय कोई जगह वहां लगाती है जिसपे कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस पे वो पढ़ ले और वो उपस्थित हो जाए। अगर ऐसा नहीं करते तो एक महीने के बाद करीब करीब धारा 83 में कुर्की की कार्यवाही की जाती है। मान लीजिए घर वालों की संपत्ति ले ली है, अभियुक्त की डायरेक्ट नहीं है, उसके भाई बहन की है, तो इसमें कार्यवाही कैसे होगी वो जाके न्यायालय के समक्ष बताएंगे कि अभियुक्त के नाम से ये संपत्ति नहीं है, हमारे नाम से है और पुलिस ने गलत इसको न्यायालय के आदेश से अटैच कर लिया। तो यदि कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है तो रिलीज करने का ऑर्डर देगी और रिलीज ऑर्डर के आधार पर पुलिस से आप पूरी लिस्ट के साथ कोर्ट से रिलीज करने का ऑर्डर ले जाके उस संपत्ति को वापस ले सकते हैं। जहां तक अभियुक्त की संपत्ति का प्रश्न है, अगर आरोपी न्यायालय में सरेंडर कर देता है, उपस्थित हो जाता है NBW या पब्लिकेशन के बाद, तो धारा 85 के तहत वो भी स्वयं आवेदन देकर अपनी संपत्ति को धारा 85 CRPC के तहत रिलीज करा सकता है। तो मैंने ये जानकारी आपको जो फरार है हाउ टू रिलीज द अटैच प्रॉपर्टी उसकी संपत्ति 82-83 जाप्ती फौजदारी के अंतर्गत जब्त हो गई है उसके संबंध में ये जनरल प्रोविजंस जो हैं किस तरह से पुलिस द्वारा कुर्क की गई संपत्ति को आप वापस ले सकते हैं। मित्रों जानकारी कैसी लगी? मैं इस चैनल पर छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपको आपकी कानूनी जानकारी बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। चैनल से जुड़े रहिए, मैं सोशल कॉज में ये वीडियोस बना रहा हूं जिससे आम आदमी नागरिक को कानून की जानकारी हो। कहा गया है नॉलेज इज पावर, आप जितना विधि को कानून को समझेंगे जानकारी रखेंगे उतना समाज में आराम से सुरक्षित ढंग से रह सकेंगे, क्योंकि कहा गया है जहां अधिकार है वहां उपचार है। अपने अधिकारों को जानिए, उसका उपचार उपलब्ध कराइए, उपलब्ध करवाइए या उपलब्ध करके लीजिए। इसी उद्देश्य से इस चैनल पर भिन्न भिन्न कानूनी विषयों में मैं वीडियो बना रहा हूं। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना RTF के नाम से है, चैनल पर इसी प्रकार स्नेह देते रहिए, जुड़े रहिए। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस देखें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद इस वीडियो में, यहीं तक। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।